इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ नेहा। इस वक्त अपडेट की बात करें तो मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद भी प्रदेश में रिश्वत का खुला खेल जारी है। ना तो सरकारी ऑफिस में बैठे अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेने से चुक रहे और ना ही पुलिस तो बकायदा अधिकारी के साथ रिश्वत मांगती है और उसे या तो सीधे लेती है या फिर एक निर्धारित जगह या व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बोल देती है। ग्वालियर में एक ऐसा ही ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें रिश्वत का खेल उजागर हुआ है। ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी ने एक आरक्षक को निलंबित कर दिया है। ओवरलोडिंग और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश सरकार ने दे रखे हैं। इसके लिए चेकिंग पॉइंट्स पर पुलिस तैनात रहती है, लेकिन पुलिस कैसे माफिया और ओवरलोडिंग कर सरकार के राजस्व को चूना लगाने वालों से गठजोड़ करती है, इसका उदाहरण सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो में हुआ है। बुधवार शाम को ग्वालियर में एक ऑडियो वायरल हुआ, उसमें एक व्यक्ति किसी राकेश नामक व्यक्ति से बिलुआ क्रेशर मार्केट से गिट्टी भरकर निकलने वाले 3 डंपरों की एवज में 6,000 रुपए देने की बात कर रहा है। बातचीत दौरान तय हो जाता है कि गिट्टी से भरे 3 डंपरों को पास करने की एवज में 6,000 रुपए रंगमहल होटल पर दे दिए जाए। बताया जा रहा है कि ऑडियो सिरोल थाने के आरक्षक का है। आरक्षक का नाम राकेश मीणा बताया जा रहा है। ऑडियो वायरल होते ही ये एसपी अमित सांगी के पास भी पहुंचा। उन्होंने सीएसपी को इसकी जांच कराने के निर्देश दिए। उनकी जांच के बाद आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही थाना प्रभारी को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। उनका जवाब आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई तय होगी। जी कह रहा हूँ राकेश भाई साहब, वो कितने दिलवा दूंगा होटल पे, कितने दिलवा रहा है पैसे कितने दिलवा दूं? तीन गाड़ी है, 6,000 दिलवा दूं? हाँ 6,000। ठीक भाई साहब, वही रंगमहल होटल पे? ठीक भाई साहब, ठीक है, गाड़ी भर रही है बिलौगा, भर के वाल निकलेगी, तो रंगमहल होटल पे दिलवा दूंगा। ये तब तक अपडेट लगातार हर छोटी सी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।